सी बेसिकली एक्सरे का मतलब तो पूरी दुनिया को पता है कि एक्सरे का क्या मतलब होता है, जो बॉडी स्कैन करती है। लेकिन एक्सरे आपका जो इनर इमेज है वो बताती है कि आपके अंदर क्या है बॉडी के अंदर। तो वैसे ही इस फिल्म के जो कैरेक्टर है उस वो कैरेक्टर का जो लाइफ इमेज है कैरेक्टर का, कि वो कैरेक्टर कैसा है, उसका अंदर का इमेज कैसा है, वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। प्लस राहुल शर्मा और याशिका कपूर को लिया गया था इसके लिए क्योंकि इस फिल्म में काफ़ी ऑडिशन हुई थी। काफ़ी ऑडिशन के बाद एक साइको कैरेक्टर चाहिए था और साइको कैरेक्टर के ऑपोजिट जो लड़की चाहिए थी वो साइको कैरेक्टर को झेल सके। तो उन लोगों से जो मेहनत करवाई, जो ऑडिशंस लिए थे, फाइनली बहुत ऑडिशन के बाद इनको हमने सिलेक्ट किया था। सिलेक्ट करने के बाद हमने इनको 2 वीक दिया था, कुछ सीन्स हमने इनको दिए थे कि वो सीन्स आप दोनों प्रैक्टिस करके लेके आइए। और पहले ही दिन पहले ही सीन में पहले ही लुक टेस्ट में ये लोग फाइनल हुए। बाकी इन लोग ने बहुत मेहनत की है, उनके स्टंट ये लोग ने खुद ने किए हुए। और पूरी पिक्चर में एक ऐसा सस्पेंस पॉइंट है कि जो इंटरवल में बाहर जाएगा ना, सोचे कि इंटरवल के बाद भी मेरे एक सीन नहीं छूट गया। वैसे ही मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे वापस एक ऐसा गाना मिला है कि जिसका वापस से जिगिलिया। अब जैसे उस टाइम पे लोगों को स्वैगर स्वेटर लगता था, मैं समझाती रहती थी स्वेटर नहीं है स्वैगर है स्वैगर है, वैसे ही अभी क्या जिगिलिया मैंने गा दिया है और सब मुझसे पूछ रहे हैं कि जिगिलिया क्या होता है, जिगिलिया का मतलब क्या है, चिगिलिया तो नहीं बोला, क्या बोल दिया, जिगिलिया नहीं कर दिया। तो आई एम हैप्पी कि ऑलरेडी मीम्स बन रहे हैं। एक मैंने मीम देखा कि हिमेश जी की फोटो है तो उसमें लिखा हुआ है दैट टाइम इट वॉज 13-13-13 सुरूर एंड नाउ इट्स सुरूर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है तो आई एम रियली हैप्पी, मुझे मज़ा आ रहा है। हमारा सपना था कि ये जल्दी से जल्दी स्क्रीन पर आए क्योंकि हमसे ज़्यादा इसका सपना था। इसको मैंने पागलों की तरह मेहनत करते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, इसने थिएटर किया है, जा के इसने सीखा है, अनुपम खेर जी से सीखा है, विदुर चतुर्वेदी जी से सीखा है, तो इसने काफ़ी मेहनत करी है। तो अब हमारा ऐसा सपना पूरा हो रहा है। मैं एक्साइटेड कहूँ या नर्वस कहूँ मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन मैं मिक्स फीलिंग आ रही है मेरे अंदर कि मैं एक्साइटेड भी हूँ, एक टाइम पे मैं नर्वस भी हूँ, सारी चीज़ें। बट ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ क्योंकि जितनी मेहनत हमने की है, मैंने और याशि ने की है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें और उसे पसंद करें। तो मोर ओवर मैं एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ अपनी फिल्म को लेकर के। एंड ये फिल्म मैंने ऑलरेडी जब मैं फिल्म मुंबई आया था तो ऑलरेडी मैं असिस्ट कर रहा था डायरेक्टर्स को एंड शॉर्ट मूवीज़ कर रहा था, तो मैंने राजीव सर को एक फिल्म में असिस्ट किया था। एंड प्लस मैंने वहाँ पे बातें सुनी थी कि फिल्म ऐसी आने वाली है, ऐसी चीज़ें होने वाली है। तो देन ऑडिशन का सीन रखा गया था, तो फिर मैं ऑडिशन के लिए गया था। 3 times हमने ऑडिशन दिए थे, पहले सर को दिया, फिर पूरी यूनिट को दिया, फिर हमारे स्टंट मास्टर थे उनको हमने ऑडिशन दिया, तब जाके हम क्लियर किया हमने ऑडिशन। एंड शूटिंग तो बहुत ही थ्रिलिंग था हमारे लिए क्योंकि ठंड के टाइम पर हम शूट कर रहे थे, प्लस भीगे हुए हैं पूरे पूरे पूरी पूरी रात हम भीग रहे हैं, 18 घंटे भीग रहे हैं, स्टंट कर रहे हैं, उसमें चोट लग रही है हमें। तो मूवी पूरा एक रोलर कोस्टर था हमारे लिए, मेरे तो स्पेशली पूरा रोलर कोस्टर था। इतने एक्साइटमेंट थी कि मैं बता नहीं सकता हूँ अपने वर्ड्स में। बेसिकली मैं नर्वस थी शूटिंग के टाइम पे, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज मूवी देखी है, तो अब इतना प्राउड फील हो रहा है कि हाँ मैंने ये मूवी की है और आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये मूवी मिली है। जब मैं राजीव सर ने और मुझे यूनिट ने स्टोरी सुनाई तो इतना अच्छा लगा स्टोरी सुन के, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि हाँ दिस विल बी द डेब्यू मूवी इन द बॉलीवुड। एंड ये इतना अच्छा स्टोरी है कि सस्पेंस इसमें बहुत ज़्यादा है, आप लोग एंड तक बने रहेंगे इस मूवी के। और जैसे कि आपने वॉर देखी थी उसमें एंड तक सोच रहे थे कि हाँ कब क्या क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो इसमें भी मुझे लगता है कि हाँ इसमें उससे भी ज़्यादा सस्पेंस है मुझे लगता है। तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा मूवी बना है अभी, और मेरा एक्सपीरियंस कास्ट के साथ बहुत अच्छा रहा। सर मुझे डराते रहते थे, पूरा मुझे पूरी कास्ट ही डराती थी। तो कभी कभी मैं फ़ोन चलाती थी, एक वीडियो भी बनाया था, सर ने मुझे इतनी ज़ोर की चिल्लाया तो मैं पूरा फ़ोन ही नीचे गिर गया मेरा। तो हम मस्ती मजाक भी करते थे पर काम के टाइम पे काम करते थे, तो बहुत मज़ा आया। और हमने एज अ टीम एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है जो 29th November को रिलीज़ हो रही है। आई होप यू गाइस विल गो एंड वॉच द मूवी। Hi, this is Rajiv Ruhiya. Hi, this is Swati Sharma. Hi, guys, this is Rahul Sharma. Hi, this is Yashi Kapoor and you are watching Mayapuri Cut.